एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से भाई एक वीडियो है जो कि वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर जनरली वो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना, उनके एग्जाम के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार आप वो वीडियो सुनो, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। लोग रात दिन जुटे हुए हैं, रात दिन जुट करके वो हमारा शिक्षा का आधार बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा जेई और नीट के परीक्षाओं में भी हमने थोड़ा सा पीछे किए। आज ही कल ही हमने यूजीसी में ये निर्णय लिया कि जो पहले और दूसरे वर्ष के हैं उच्च शिक्षा में, पहले दूसरे तीसरे वर्ष के हैं, इनको तो उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल परीक्षा के हैं, क्योंकि यदि उसकी फाइनल परीक्षा करके वो पास नहीं होगा या मार्कशीट में नहीं होगा तो पूरी जिंदगी भर में उस पर ऐसा ठप्पा लग जाएगा कि कोरोना मार्क वाला है, इसने बिना परीक्षा के ये पास हुआ है। और भविष्य में वो जहां भी अपने नौकरी के लिए जाएगा, कहीं जाएगा, तो कठिनाई से होकर के गुजरेगा। हमने कहा नहीं, हम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कैसे भी स्थिति में थोड़ा सा पीछे जरूर करेंगे, लेकिन उसकी परीक्षा फाइनल ईयर की हम परीक्षा करेंगे ताकि उस पर कोई दाग न लगे, कोई ये ना कह सके कि बिना परीक्षा वाला बच्चा है, ये उस वर्ष का बच्चा है जिस वर्ष में परीक्षा ही नहीं हुई, नहीं ये नहीं कर सकते हैं। अगर भाई इस वीडियो के मैं बात करी जाओ तो एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि मामे फाइनली राड़ेंगे पेपर लेवांगे, और उसका कारण जमानू घटिया ते घटिया कारण बताया है कि उनका कहना है कि जो बाद में अगर मैं कड़े जॉब खातर जावे है तो डिग्री के ऊपर लिखा जाओगा कि कोरोना के कारण इन बालका थी प्रमोट कराया गया है। तो एचआरडी मिनिस्टर का कहना है कि मामे को नहीं चाहते कि यूं उनकी डिग्री पर लिखा जावे। तो मेरा एचआरडी मिनिस्टर से सवाल है भाई, अगर कोई फाइनल ईयर का बालक पेपर देने जावे है, और भगवान ना करे ऐसा हो है, बट सोचने वाली बात है, जे उसका कोरोना हो गया तो दब्बा कड़ा लगेगा भाई, सोचने वाली बात है। एक बार तामे भी बताइयो कमेंट करके कि एचआरडी मिनिस्टर ने यू जो यू वीडियो में बयान दिया है यू सही है को नहीं। ठीक है, तो जर्नली मान्या जाओ तो सरकार का यू बहुत गणा बड़ा, बहुत बड़ा गलत फैसला है। सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जर्नली जो इस टाइम पर राजनीति होने लग रही है बालका के पेपर के पाछे, बालका के बारे में कोई नहीं सोचने लग रहा, तो यह सरकार की सबसे बड़ी कमी है। सरकार ने बालका के बारे में भी सोचना चाहिए यार, फाइनल ईयर के बालका का कोरोना को नहीं हो सकता कि। और दूसरी बात भाई, मैं तारती बता दूँ, कल मैं कॉमेंट पढ़ने लग रहा था, किसी भाई का कॉमेंट आ रहा था कि जो MD यूनिवर्सिटी है उसके जो रिजल्ट का ब्रांच है उसमें कोई कोरोना का केस मिल गया। भाई ये भी सच्ची है झूठी मन कुनबेरा, बाकी यू कमेंट आ रहा था कि जो अपने दो रही MD यूनिवर्सिटी में रिजल्ट ब्रांच नहीं, उसमें कोरोना का केस मिल गया और वो रिजल्ट ब्रांच बंद कर दी गई है। तो यह कितना लग सच है बेरा को नहीं। अगर किसी फाइनल ईयर के बालक का कोरोना हो गया तो वो घर भी आऊगा, उनके घर के आने भी दिक्कत होगी, घराना का भी कोरोना होगा, और सोच के देखो किसी बस में भी बैठ के जाऊंगा वह पूरी बस खतरे में आ जाएगी। तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है जो सरकारी फैसला लेने लग रही है, तो सरकार के खिलाफ है भाई सारे बालक। और मैं भी तारे गल हूँ, टेंशन ना लियो, लास्ट दम तक जड़ लग चालांगे, उड़ लग कट्ठे चालांगे भाई, और सरकार के खिलाफ जावांगे। ठीक है, और कोई भी छात्र संगठन अपना साथ देवेगा उसका आप समर्थन करांगे, जमा खुला समर्थन करांगे भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के, और लेटेस्ट अपडेट खातर भाई चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो वगैरह लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन तार तक पहुँच जाए।